सोलन के गंज बाजार में कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के स्टार प्रचारक एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पहुंचे। जनसभा में कार्यकर्ताओं का जोश देखकर वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर जमकर प्रहार भी किए और उनकी खामियों को कार्यकर्ताओं के सामने रखकर उनका जोश दुगना किया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं को ऐसे काट दिया है जैसे कोई जलाने के लिए पेड़ से लकड़ी काटता है, लेकिन वे दिन दूर नहीं जब ऐसा करने वालों के साथ भाजपा का भी ऐसा ही हर्ष होगा। सोलन के गंज बाजार में कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के स्टार प्रचारक एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उनके साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। जनसभा में कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। वहीं वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर जमकर प्रहार भी किए और उनकी खामियों को जाहिर कर कार्यकर्ताओं का जोश दुगना कर दिया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं लाल किशन आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार को ऐसे काट दिया है जैसे कोई जलने के लिए पेड़ से लकड़ी काटता हो, लेकिन वे दिन दूर नहीं है जब ऐसा करने वाले के साथ भाजपा ही ऐसा करेगी। वीरभद्र सिंह ने एक बार फिर से धूमल परिवार को घेरने का प्रयास किया और कहा कि उन्हें धूमल परिवार ने जेटली के साथ मिलकर इसलिए टारगेट किया था क्योंकि उन्होंने HPCA का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने द्वेष की भावना से काम किया है और उन्होंने केवल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए राजनीति की है। उन्होंने सभी को एक होने का आह्वान किया। उन्होंने आज के समय की तुलना हिटलर राज और मुसोलिनी राज से की। उन्होंने कहा कि देश में प्रजातंत्र का राज खत्म हो रहा है और इसके लौटने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। खजल बहुत किया और खजल इसलिए कि मैंने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जिसके प्रधान हमारे धूमल साहब का बेटा अनुराग वर्पी है वो थे, और बाई चांस भाग से केजी साहब जो है दिल्ली के एसोसिएशन के प्रधान थे। मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हर खेल के हक में हूँ। अगर वो जमीन मांगते हम उनको जो जमीन उपलब्ध की जा सकती थी अवश्य देते, मगर पिता मुख्यमंत्री थे, पुत्र ने इस चीज़ पर मंजूरी रखी, वो जमीन जो है क्रिकेट एसोसिएशन हिमाचल को देती थी। राष्ट्रपति जो है वहाँ के पाकिस्तान के वहाँ पर स्कूल रह चुके हैं और वो लाल पानी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाल पानी है, उसका 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 बहुत आलिशान बिल्डिंग है, मैदान नहीं है, छोटा सा मैदान दे दो जगह का बगल में था, वो भी धूमल साहब ने अपने बेटे को दे दिया। यहाँ कोई खेल नहीं हो सकता। तो जब हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो जो है जेटी के मार्शल जो है मेरे ऊपर सीबीआई रेड मान लिया, कोई और पार्टी भी आ जाए उनको भी सबसे पहले संविधान के दायरे के अंदर करना सीखना चाहिए। ये कोई हिटलर का राज नहीं है, मुसोलिनी का राज नहीं है, स्टालिन का राज नहीं है, ये प्रजातंत्र का राज है। देश का भला अच्छी तरह से समझ मैं आपके लिए दिया है क्या आगामी चुनाव में कांग्रेस के निशान आपके ऊपर तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप बने रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।